नमस्कार, आज मैं हूँ TM24 के न्यूज रूम और स्टूडियो और ऑफिस में। आज जो मैं बात करूँगा वो बात करूँगा महंगाई की, क्योंकि जो हमारे सहयोगी हैं या जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो रही हैं इस महंगाई से। सबसे ज़्यादा मार जो पड़ी है वो पेट्रोल की पड़ी है, क्योंकि आदमी को रोजमर्रा की जीवन में पेट्रोल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसके रेट बढ़े हुए हैं। तो आइए मैं बात करता हूँ अपने सहयोगियों से। हमारे सबसे पहले जो हमारे सहयोगी हमारे सीनियर अकाउंटेंट हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि आखिर उनको दिक्कतें क्या हो रही हैं सरकार से। जी भाई बताइए कि सरकार से आपको क्या दिक्कतें समझ में आ रही हैं महंगाई से? महंगाई सबसे बड़ी महंगाई है जी। महंगाई से आपको क्या दिक्कत? महंगाई पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, हर चीज़। जब पेट्रोल डीजल महंगा है तो उसमें हर चीज़ महंगी हो रही है। मार्केट में सिलेंडर महंगा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। पेट्रोल और डीजल जो होता है मेन चीज़ होती है, उसी से सब ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है, उसी से सब आना जाना शुरू होता है। तो आपकी आपकी सरकार से क्या मांग? मांग है पेट्रोल डीजल और महंगाई जो है उसे कम किया जाए। चलिए, इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल और महंगाई कम होनी चाहिए। तो आज आज हम हमारे कुछ सहयोगी हैं जो इस समय लंच कर रहे हैं, तो उनसे इस समय बात करना ठीक नहीं होगा, लेकिन आज आपको ये बता दें कि जो महंगाई है वो इस चरम सीमा पार कर चुकी है। वजह सबसे पहले ये है कि पेट्रोल के दाम जो हैं वो 100 रुपए के करीब या कई कई जगह 100 रुपए से पार भी हो चुके हैं। अब उसको लेकर हमारे देश में क्या राजनीति हो रही, क्योंकि विपक्ष के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला हुआ है पेट्रोल का। आने वाले समय में देखना होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव लगातार होने हैं और ये एक लगातार सीरीज होनी है विधानसभा चुनाव की। अब देखना होगा कि सरकार टैक्स कितना कम कर रही है। इस वक्त मैं न्यूज रूम में हूं और न्यूज रूम में जो हमारे सहयोगी हैं मैं उनसे चाहूंगा बात करना। तो हमारे जो सबसे पहले सहयोगी हैं वो अनिल जी हैं। अनिल जी काफी पुराने हैं और इनसे मैं चाहूंगा कि पूछूं कि क्या आखिर इनको क्या दिक्कतें हो रही हैं महंगाई से। जी अनिल जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए और फिर बताइए कि आपको सरकार से क्या उम्मीद हो रही है और आप क्या चाहते हैं। मेरा नाम अनिल यादव है जी। मैं तरुण मित्र में जी कर रहा हूँ काफी दिनों से जी। और महंगाई तो कमर तोड़ है ही है इसमें जी। और महंगाई की वजह से सब चीजों पर असर पड़ा हुआ है और इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल के लिए क्या? पेट्रोल के लिए तो ये बोलूंगा कि पेट्रोल तो बहुत महंगा है, 100 रुपए के हिसाब से पेट्रोल इसको आधे दाम में होना चाहिए। और पेट्रोल से क्या कहते हैं जितने भी चीजें हैं वो सब पे असर पड़ रहा है। देखिए अनिल जी ने कहा कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमारी एक महिला सहयोगी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सविता कटियार जी। सविता जी, आपको सरकार से क्या चाहती हैं? आपकी सरकार, लोगों का कहना है महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, इसमें आपका क्या कहना? सर, इस समय महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और बस एक जो रसोई गैस है वो दिन पर दिन बढ़ती जाए, जिससे लोगों का घर का बजट बिगड़ता चला जा रहा है। उसे सरकार से निवेदन है कि गैस सिलेंडर थोड़ा कम कर दिया जाए उसके। देखिए बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया कि जो गैस का सिलेंडर है घरेलू उद्योग के लिए, घरेलू वर्ग के लिए, वो बढ़ता जा रहा है। वो महिलाओं की सबसे बड़ी मांग है कि वो कम होना चाहिए। हमारे संग वैसे तो काफी सहयोगी हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, क्योंकि लोगों के काम करने का समय है, तो हमारी एक महिला सहयोगी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। आप क्या चाहती हैं सरकार से? महंगाई के हालात कहे जा रहे हैं कि बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसमें आप क्या बोलेंगे? बेशक बहुत ज्यादा महंगाई इस समय हो रही है। दरअसल सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल इसलिए महंगा लोगों को लगता भी है क्योंकि सबको पेट्रोल की जरूरत होती है। सारे लोग बाइक चलाते हैं, ज्यादातर लोग ऑफिस में आना जाना सबका रहता है बाइक की वजह से। पेट्रोल कम होना चाहिए, उसका रेट कम होना चाहिए, क्योंकि ये आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। इतने ऑफिस आना है, ऑफिस जाना है, उसमें हर तरह के हर तबके के लोग रहते हैं, तो इस वजह से अगर सस्ता रहेगा पेट्रोल तो हमें आराम रहेगा, आने जाने के लिए अच्छा रहेगा, ताकि हम अच्छे से। देखिए इनका कहना सीधे तौर पे है कि पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि पेट्रोल लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम। हमारे एक बहुत अच्छे सहयोगी हैं, ये हैं अमित जी। कहाँ जा रहे हैं अमित जी? अरे अरे, ये हमारे सहयोगी हैं, ये पेट्रोल के बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये साइकिल चलते हैं। इनका कहना ये मुलायम सिंह वाली साइकिल नहीं है, इनकी अपनी खुद की साइकिल। अब हमारे एक बहुत सीनियर सहयोगी हैं, हमारे एक सीनियर सहयोगी हैं सीबी सिंह साहब। आप सबसे सीनियर हैं,
इन सब मैं जानना चाहूंगा कि आखिर पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसमें आप क्या चाहते हैं? पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, ये एक जरूरत, हर घर की जरूरत है। पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि पेट्रोल आम जनता को 55-60 रुपए में मिल सके। जब सब चीज जो है जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं तो पेट्रोल और गैस को क्यों नहीं ला रहे? बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि आखिर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया और क्यों नहीं ला रहे हैं। आखिर क्यों पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं और इतने टैक्स लग रहे हैं, चाहे वो केंद्र का टैक्स हो चाहे राज्य का टैक्स हो। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, तभी ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके भी दाम खत्म होंगे। कम वक्त मैं न्यूज रूम में हूँ और न्यूज रूम में जो हमारे सहयोगी हैं मैं उनसे चाहूंगा बात करना। तो हमारे जो सबसे पहले सहयोगी हैं वो अनिल जी हैं। अनिल जी काफी पुराने हैं और इनसे मैं चाहूंगा कि पूछूं कि क्या आखिर इनको क्या दिक्कतें हो रही हैं महंगाई से। जी अनिल जी, पहले अपना परिचय दे दीजिए और फिर बताइए कि आपको सरकार से क्या उम्मीद हो रही है और आप क्या चाहते हैं। मेरा नाम अनिल यादव है जी, मैं तरुण मित्र में जी कर रहा हूँ काफी दिनों से जी। और महंगाई तो कमर तोड़ है ही है इसमें जी, और महंगाई की वजह से सब चीजों पर असर पड़ा हुआ है और इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल के लिए क्या? पेट्रोल के लिए तो ये बोलूंगा कि पेट्रोल तो बहुत महंगा है, 100 रुपए के हिसाब से पेट्रोल इसको आधे दाम में होना चाहिए। और पेट्रोल से क्या कहते हैं जितने भी चीजें हैं वो सब पे असर पड़ रहा है। देखिए अनिल जी ने कहा कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए क्योंकि इससे बहुत दिक्कतें हो रही हैं। हमारी एक महिला सहयोगी हैं, इनसे मैं बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? सविता कटियार जी। सविता जी, आपको सरकार से क्या चाहती हैं? आपकी सरकार, लोगों का कहना है महंगाई बहुत बढ़ी हुई है, इसमें आपका क्या कहना है? सर, इसमें महंगाई तो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है और बस जो रसोई गैस है वो दिन पर दिन बढ़ती जाए जिससे लोगों का बस घर का बजट बिगड़ता चला जा रहा है। उसे सरकार से निवेदन है कि गैस सिलेंडर थोड़ा कम कर दिया जाए उसके। देखिए बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया कि जो गैस का सिलेंडर है घरेलू उद्योग के लिए, घरेलू वर्ग के लिए, वो बढ़ता जा रहा है। वो महिलाओं की सबसे बड़ी मांग है कि वो कम होना चाहिए। हमारे संग वैसे तो काफी सहयोगी हैं लेकिन इस वक्त जो हालात हैं क्योंकि लोगों के काम करने का समय है, तो हमारी एक महिला सहयोगी हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। आप क्या चाहती हैं सरकार से? महंगाई के हालात कहे जा रहे हैं कि बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं, इसमें आप क्या बोलेंगे? बेशक बहुत ज्यादा महंगाई इस समय हो रही है। दरअसल सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल इसलिए महंगा लोगों को लगता भी है क्योंकि सबको पेट्रोल की जरूरत होती है। सारे लोग बाइक चलाते हैं, ज्यादातर लोग ऑफिस में आना जाना सबका रहता है बाइक की वजह से। पेट्रोल कम होना चाहिए, उसका रेट कम होना चाहिए क्योंकि ये आम जनता के लिए बहुत जरूरी है। अपने ऑफिस आना है, ऑफिस जाना है, उसमें हर तरह के हर तबके के लोग रहते हैं, तो इस वजह से अगर सस्ता रहेगा पेट्रोल तो हमें आराम रहेगा, आने जाने के लिए अच्छा रहेगा, ताकि हम अच्छे से। देखिए इनका कहना सीधे तौर पे है कि पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि पेट्रोल लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है, ज्यादा प्रॉब्लम। हमारे एक बहुत अच्छे सहयोगी हैं, ये हैं अमित जी। कहाँ जा रहे हैं अमित जी? अरे अरे रुकिए, ये हमारे सहयोगी हैं, ये पेट्रोल के बारे में नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये साइकिल चलते हैं। इनका कहना ये है, ये मुलायम सिंह वाली साइकिल नहीं है, इनकी अपनी खुद की साइकिल। अब हमारे एक बहुत सीनियर सहयोगी हैं, हमारे एक सीनियर सहयोगी हैं सीबी सिंह साहब। आप सबसे सीनियर हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा कि आखिर पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसमें आप क्या चाहते हैं? पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए, ये एक जरूरत, हर घर की जरूरत है। पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि पेट्रोल आम जनता को 55-60 रुपए में मिल सके। जब सब चीज जो है जीएसटी के दायरे में ला रहे हैं तो पेट्रोल और गैस को क्यों नहीं ला रहे? बहुत अच्छी बात इन्होंने की है कि आखिर पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया और क्यों नहीं ला रहे हैं। आखिर क्यों पेट्रोल के दाम इतने बढ़ रहे हैं और इतने टैक्स लग रहे हैं, चाहे वो केंद्र का टैक्स हो चाहे राज्य का टैक्स हो। तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात होगी कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए, तभी ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं उसके भी दाम खत्म होंगे। कम आर्टिकल एडिटर हमारे साथ हैं, मैं उनसे इस विषय बात करूंगा क्योंकि ज्यादा अच्छा वही इस पे बोल पाएंगे और अपनी राय दे पाएंगे। तो हमारे संग हैं हरिमोहन सर।
मैं उनसे चाहूंगा कि वो इस महंगाई के मुद्दे पर कुछ बोलें। तो सार जी, जहां तक महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों के महंगाई की बात है, मैं ऐसा सोचता हूं कि महंगाई पेट्रोल पदार्थों पर हुई है वो कोई पहली बार तो हुई नहीं है, और देश का जब नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है तो उसमें पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा। अगर वो पेट्रोलियम पदार्थों से आ रहा है तो वहां से आना चाहिए, और जहां से भी आना होगा सरकार को रेवेन्यू, सरकार के पास कोई कुआ तो है नहीं पैसे का, जहां से वो पैसा निकालेगी और योजनाओं में लगाएगी, तो कहीं ना कहीं से पैसा वो जनता से हम आपसे इकट्ठा करेगी। तो हो सकता है पेट्रोल से आ रहा हूँ, और जहां तक मुझे याद है, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैंने 4 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदा है, 30 साल पहले की बात है, और 4 से अगर वो आज 100 रुपए पहुंच गया है तो कोई अकेले भाजपा राज में तो पहुंचा नहीं है, किसी एक सरकार का इसमें दोष नहीं है। पेट्रोल एक ऐसा पदार्थ है जहां हर सरकार ने उसको सोने की खान समझ रखा है, और टैक्सों के जरिए आप प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राज्य को टैक्स कम करना चाहिए, तो राज्य टैक्स क्यों कम नहीं करते। आज एक बात आई है सुनने में कि ममता बनर्जी के राज में बंगाल में 20 रुपए पेट्रोल सस्ता हो गया है, गोवा में देश में सबसे सस्ता पेट्रोल है, 62 या 63 रुपए कुछ पेट्रोल है वहां। तो राज्यों को भी तो सहयोग करना चाहिए, रेवेन्यू अकेले घटाना केवल केंद्र की नहीं राज्यों की भी तो बात है। देखिए, बहुत बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है कि कहीं ना कहीं राज्य को भी इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, पर राज्य और हमारा केंद्र दोनों, हमारे यहाँ 2 इंजन की सरकार चल रही है, तो कहीं ना कहीं केंद्र ही हमारा सरकार राज्य में भी चलती है, तो क्या केंद्र को और राज्य को ऐसा करना नहीं चाहिए? सवाल ये नहीं है, बीजेपी की सरकार है, फिर इस तरह की बातें क्यों सामने आती है? अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन राजस्थान में पेट्रोल 111 और 113 रुपए पहुंच गया है। यूपी में बीजेपी की सरकार है, हो सकता है कहना चाहिए प्रधानमंत्री को, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी पेट्रोल सबसे महंगा है, राजस्थान में सबसे महंगा है आज की डेट में पेट्रोल। देखिए, बहुत बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, इन्होंने कहीं ना कहीं निष्पक्ष बातें की हुई है, ये इसे कहा जा सकता है कि इनका साफ तौर पे कहना है कि पेट्रोल के दाम जो है उसी दाम से, उसी रेवेन्यू से ये मुल्क चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि और चीजों की भी रेवेन्यू से चलता है। ये एक मिली जुली प्रतिक्रिया थी सभी लोगों की तरफ से, और इसमें आप लोग भी अपनी राय दें कि आखिर पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तब तक लिए नमस्कार।